ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इस टास्क बार के टॉपिक के हवाले से, और ये जो टास्क बार का टॉपिक है ये बेसिक CIT का जो कोर्स हमारा चल रहा है इसमें बेसिक का आपका टॉपिक चल रहा है, और बेसिक के टॉपिक का लास्ट टॉपिक जो टॉपिक नंबर 5 है टास्क बार का है, और टास्क बार का टॉपिक 5 का जो क्लास के हवाले से टॉपिक है, यानी कि टॉपिक 5 है टास्क बार, और टास्क बार के अंदर दो क्लासेस हैं जिसमें से क्लास 1 को आज हम स्टार्ट ले रहे हैं। क्लास नंबर वन का टॉपिक हम आज स्टार्ट ले रहे हैं। इस टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन आ रहा है टूल बार्स के नाम से, एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ये एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये बटन आ रहे हैं, ये पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके इस एड्रेस बार का साइज़ कम और ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जाकर MS पेंट, नोट पैड जो भी आप टाइप कर देंगे यहाँ से भी आप आसानी से कमांड टाइप करके ओपन कर सकते हैं, उस कमांड के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर को या फाइल को जो आप ओपन करना चाहते हैं। और इस तरीके से एड्रेस से चढ़ाएँगे गायब, और दोबारा एड्रेस पर चेक लगा देंगे वापस आ जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट बता दूँ, वो ये कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं क्लिक करके आसानी से हम इसका बार का साइज़ कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, क्यों कि यहाँ से लॉक से चेक हटा है। अगर लॉक पर चेक लगा देंगे ये बटन नहीं आ पाएंगे, हम इसको मूवमेंट नहीं दे पाएंगे, क्यों हमने लॉक किया हुआ है, लॉक से चेक हटा देंगे अनलॉक हो जाएगी, आसानी से आप इसे यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर टूल बार के अंदर आएंगे और एड्रेस से चेक हटा देंगे, एड्रेस बार आ रही थी गायब हो जाएगी। लिंक्स के नाम से ऑप्शन आ रहा है, लिंक्स पर क्लिक करेंगे या लिंक्स के नाम से ये ऑप्शन ऐड हो गया। इसमें 2 फाइल्स आ रही हैं, विंडोज़ की फाइल्स दी हुई हैं, जिस फाइल पर क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास कनेक्ट किया हुआ है तो ये विंडोज़ की कुछ वेबसाइट्स की फाइल्स वगैरह हैं, यहाँ पर इस लिंक को ओपन करके उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से देखें ये इसका वेब पेज ओपन हो रहा है, लेकिन मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन फ़िलहाल कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्शन कनेक्ट होता तो ये लिंक ओपन हो जाता, ईज़िली आप इस वेबसाइट के बारे में डिटेल पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से लिंक्स के नाम से जो ऑप्शन आ रहा है चेक हटा देंगे, वहाँ से भी गायब हो जाएगा, यहाँ से चेक भी हट जाएगा, देख रहे हैं यहाँ से हाइड हो गया वो। और टूल बार्स के ऑप्शन पर आएंगे, टेबलेट PC इसको वैसे ही रहने देंगे फिलहाल, मैं समझता हूँ ये कोई खास हमारे काम का ऑप्शन नहीं। और डेस्कटॉप के नाम से ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप का ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आखिर इसका मकसद क्या है यहाँ पर ऐड करने का, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जितने डेस्कटॉप पर ये आइकन्स आ रहे हैं ये तमाम के तमाम आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर ये सारे आइकन हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जिस आइकन पर माउस लेके जा रहे हैं उसका सिर्फ नाम ही आ रहा है लेकिन वो ओपन नहीं हो पा रहा, और यहाँ पर ये फ़ायदा है यहाँ पर नाम भी आ रहा है, जब उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो फाइल्स, फोल्डर्स, पार्टीशन जो चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं देखें आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। कितनी जल्दी हम उसके फोल्डर से फोल्डर में जाकर फाइल में जा चुके हैं और आसानी से क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इसमें एक आसान वर्क के लिए दिया हुआ है, चाहे तो ये उसमें ला सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो डेस्कटॉप का ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया ये PC में स्पेस नहीं घेर रहा, ये आसानी से आप इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये एक्स्ट्रा स्पेस घेर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बल्कि काम की आसानी के लिए यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप से चेक हटा देंगे, ये ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएगा, डेस्कटॉप से चेक भी हट गया। लैंग्वेज बार ये आ रही है चेक हटा देंगे, ये यहाँ पर जो EN लिखा हुआ आ रहा है लैंग्वेज बार गायब हो जाएगी। बाद वक्त बहुत से PC में ये शो नहीं हो रही होती, अगर शो हो रही हो तो यूँ ला सकते हैं, देखें ये ऊपर चली गई, चाहे तो उठाकर यूँ ड्रैग कर लेंगे वापस यहाँ पर आ जाएगी, चेक लगाने पर आ जाएगी, हटाने पर गायब हो जाएगी। लिखा हुआ रहा है न्यू टूल बार का ये ऑप्शन कैसे एक्टिव होगा, अब यहाँ पर आएँ, ये जो ऑप्शन थे चंद एक ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए थे उस पर क्लिक करके हमने उस ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया था, आसानी से यूज़ में ला सक रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है अपनी सेटिंग के मुताबिक, कस्टम सेटिंग के मुताबिक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। न्यू टूल बार पर क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा डेटा के नाम से फोल्डर है ये ऐड हो गया, सेलेक्ट डेटा पर क्लिक किया ये ऐड हो गया, हम चाहते हैं मजीद चंद एक फोल्डर जो हमने खुद से क्रिएट किए हुए हैं या पार्टीशन है वो ऐड हो जाएँ, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे ये ऐड हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर आएंगे न्यू टूल बार पर क्लिक किया, हम जाते हैं एनी वीडियो कन्वर्टर ये ऐड हो जाए, जो फोल्डर्स आप ऐड करना चाहते हैं इजीली ऐड कर सकते हैं। जिससे चकड़ आएंगे वो लिस्ट में से यहाँ से नाम भी गायब, वहाँ से भी नाम गायब हो जाएगा, अगेन यहाँ से चकड़ आते जाएंगे यहाँ से भी गायब वहाँ से भी गायब होता जाएगा, और इसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें इसमें थी वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ से चकड़ा देंगे लिस्ट में से नेम यहाँ से भी गायब और वहाँ से भी गायब हो जाएगा। कैस्केड विंडोज़ ये तीनों ऑप्शन डेड हैं, एक्टिव नहीं हो रहे, कैसे एक्टिव होंगे, किसी भी फाइल्स को आप ओपन कर लें, समझने के लिए एक फाइल को ओपन करें, जब भी ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 3 फाइल ओपन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर आए लिखा हुआ रहा कैस्केड, कैस्केड पर क्लिक किया तमाम फाइल्स यूँ कोने में हमें दिख रही हैं, आसानी से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जाएंगे शो विंडोज़ पर क्लिक कर देंगे
तो ये लेफ्ट टू राइट ओपन हो गए, हर एक का नाम ऊपर नीचे हमें दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर रिसाइकिल बिन, नेटवर्क, कंप्यूटर। और इस तरीके से अगर हम यहाँ जाएंगे शो विंडोज साइड बाय साइड कर देंगे, अप और डाउन ये फाइल्स ओपन हो गई, और आगे पीछे इन फाइल्स के नेम यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क और कंप्यूटर। चाहे तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन इसमें आ रहा है शो द डेस्कटॉप, तो हम फाइल्स मिनिमाइज़ हो जाएंगे, डेस्कटॉप हमें दिखेगा, और फिर शो अपन विंडोज़ पे क्लिक कर देंगे तो हम फाइल्स मैक्सिमाइज़ हो जाएंगी और डेस्कटॉप हाइड हो जाएगा। ये तरीकाकार था, और ये स्टार्ट टास्क मैनेजर, ये हमारा टास्क बार का जो टॉपिक नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 उसका टॉपिक है। यहाँ से क्लास नंबर 2 टास्क बार के बारे में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और आज क्लास टास्क बार क्लास नंबर 1 का टॉपिक हमारा शो डेस्कटॉप के ऑप्शन तक वाइंड अप हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। चाहे तो इन फाइल्स को यहाँ क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। इंशाल्लाह टास्क बार के क्लास नंबर 2 जो आखिरी क्लास होगी बेसिक की, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और वाइंड अप कर लेंगे इस टॉपिक को भी इंशाल्लाह।